अस्सलाम वालेकुम और टेक स्टोर देखने का शुक्रिया दोस्तों, मेरा नाम यासीन है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वीवो अपने नए फोन S1 Pro को पाकिस्तान में कब लॉन्च करने वाला है और इसकी रिटेल प्राइस क्या है, डिस्प्ले कैसा है, इसमें प्रोसेसर कौन सा है और बैटरी और कैमरास कौन कौन से दिए गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, S1 Pro वीवो ने 3 मई को चाइना में लॉन्च कर दिया है, जिसमें कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन 75 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा और बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें से एक 48 मेगापिक्सल का लेंस होगा, दूसरा 8 मेगापिक्सल का लेंस होगा और तीसरा 5 मेगापिक्सल का f1.9 के अपर्चर वाला डेप्थ सेंसर होगा। साथ ही साथ सेल्फी के लिए एक पॉपअप 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है, जैसा की आपने इससे पहले वीवो V15 Pro में भी देखा था। लेकिन अब की बार लीक्स ये है, अब की बार कैमरा साइड से निकलेगा, ऊपर से नहीं। अगर अगले फीचर की बात करूँ यानी कि प्रोसेसर की, तो अब की बार वीवो ने कैमरा के साथ साथ एक जानदार प्रोसेसर भी दिया है फोन में। वीवो S1 Pro में आपको कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन 675 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसकी N22 बेंचमार्क स्कोर 104,402 है, जिसका साफ मतलब ये निकलता है कि आप पबजी जैसे हेवी गेम्स भी बिना किसी लैग के लैग फ्री चला सकते हैं और डेली यूजेज के लिहाज से भी फोन चलने में उम्दा होगा, इंटरनेट या वीडियो चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डिस्प्ले की बात करूं तो वीवो S1 Pro में आपको 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसकी रेजोल्यूशन 1080x2340 होगी और कलर्स क्वालिटी भी खूबसूरत और उम्दा होगी, कलर्स लाइव और एक्यूरेट होंगे। फोन का फ्रंट सेम टू सेम वीवो V15 Pro जैसा बनाया गया है, जहां पर आपको बेजल्स कम और स्क्रीन ज्यादा देखने को मिलती है। बैटरी की बात हो तो वीवो S1 Pro में 3700 mAh की नॉन रिमूवेबल पावरफुल बैटरी दी गई है, जो की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी और नीचे की तरफ एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जैसा इससे पहले आपने वीवो V15 और वीवो V15 Pro में देखा होगा। दोस्तों, डिजाइन पे आए तो बैक बिल्कुल वीवो V15 जैसी बनाई गई है और फ्रंट भी सेम वैसा ही बनाया गया है, तो डिजाइन में अब की बार कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि सेम टू सेम वैसा ही देखने की उम्मीद है। तो बस यही थी हमारे आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।